टुडे ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। भारत और विश्व इतिहास में 12 अक्टूबर अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गई। 12 अक्टूबर जो कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 285वां दिन होता है और लीप वर्ष में 286वां दिन होता है। आइए आज बात करते हैं आज के दिन घटित होने वाली घटनाओं के बारे में। वीडियो के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करता हूं, बाकी अगर आप विस्तृत में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, आप जाके वहां पे क्लिक करके उसके बारे में विस्तृत से पूर्वक पढ़ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च करते हैं gkbyakofficial.blogspot.com पे, तो वहां पे जाके आप जो है इसे जो है विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। 1711 की बात करें तो कैरल छठी हैम्बर्सबर्ग को रोलर कैथोलिक सम्राट का ताज पहनाया गया था। 1730 में ईसाई फोन ने डेनमार्क के राजा के रूप में फ्रेडरिक फोर को सफल किया था। 1776 की बात करें तो ब्रिटिश ब्रिगेड ने बॉक्स में थोरक नेकस रोड की सुरक्षा करना शुरू कर दिया था। 1792 की बात करें तो अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस को मैरीलैंड के बाल्टीमोर में पहला स्मारक समर्पित किया गया था। 1792 में ही न्यू वर्ल्ड में आने वाले 300 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राज्य में पहला कोलंबस दिवस समारोह आयोजित किया गया था। 1798 की बात करें तो फ्रांस के कब्जे वाले बोरिज के खिलाफ फ्लेमिंग विद्रोह आरंभ हुआ था। 1799 की बात करें तो जेनने गेने वेबे लबरोस से 900 मीटर की ऊंचाई से एक पैराशूट के साथ एक गुब्बारा से कूदने वाली पहली महिला बनी थी। 1815 की बात करें तो नेपल्स पूर्व राजा जोआकिम मुरत को मृत्यु की सज़ा सुनाई गई थी। 1822 में ब्राज़ील के पेड्रो को ब्राज़ील का संवैधानिक सम्राट घोषित किया गया था। 1847 में जर्मन आविष्कारक और उद्योगपति वर्नर वॉन सीमेंस ने सीमेंस एजी और हल्से को स्थापित किया था। 1850 में पहली महिला चिकित्सा विद्यालय महिला मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंस खोला गया था। 1854 में लिंकन यूनिवर्सिटी की अंशुमन संस्थान के रूप में स्थापना की गई थी। 1871 की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइम्स एक्ट लागू किया था, जिसके तहत 160 स्थानीय समुदायों को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया। 1879 की बात करें ब्रिटिश सैनिकों ने काबुल और अफगान पर कब्जा कर लिया था। 1898 की बात करें तो मथुर में पहली नगर परिषद की स्थापना की गई थी। 1901 की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन का नाम एग्जीक्यूटिव मेंशन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया था। 1909 में ब्राज़ील के कुर्बिटा शहर में फुटबॉल टीम की स्थापना हुई थी। 1910 की बात करें तो जॉन डी ने न्यूयॉर्क में रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च का अपना पहला 75 बेड का अस्पताल खोला था। 1928 की बात करें तो पहली बार अमेरिका के बोस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 1945 में कम्युनिस्टों ने सांगडोंग अभियान पर जीत हासिल की थी। 1964 की बात करें तो विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था। 1967 की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। 1968 की बात करें तो मध्य अफ्रीका में स्थित डेक इक्वाटोरियल गिनी को स्पेन से स्वतंत्रता मिली थी और यह दिन इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। 1968 की बात करें तो स्पेन ने इक्वाटोरियल गिनी को इसकी स्वतंत्रता घोषित किया था। 1982 की बात करें तो थोरबर्न फ्लाल्डिन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने थे। 1988 में भारत के त्रिपुरा में वीर चंद्र मनु नरसंहार हुआ था। 1993 की बात करें तो कहिरा भूकंप में 543 लोग मारे गए थे और 6500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 1997 में अल्जीरिया के दीदी दाऊद शहर के फाल्स रोड ब्लॉक पर नरसंहार में 43 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 1998 में अमेरिकी सांसद ने ऑनलाइन कॉपीराइट विधेयक को पारित किया था। 2000 की बात करें तो अंतरिक्ष यान डिस्कवरी का फ्लोरिडा में प्रक्षेपण हुआ था। 2002 में बाली के एक नाइट क्लब में आतंकवादियों के हमले से 202 लोग की मृत्यु हो गई थी। 2004 की बात करें तो पाकिस्तान ने गोरी एक मिसाइल का परीक्षण किया था। 2008 की बात करें तो केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी थी। 2014 की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता इवो
मोरालेस लगातार तीसरी बार बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 2013 में ही पेरू में एक चट्टान से एक ट्रक के चपेट में आने से 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2017 में अमेरिका ने यूनेस्को से हटने के अपने फैसले की घोषणा की थी। 2019 में टाइफून हागिबिस जापान में लैंडफॉल बनाता है, 10 लोगों की हत्या करता है और 10 लाख लोगों को निकलने के लिए मजबूर करता है। तो यह था 12 अक्टूबर को होने वाली कुछ प्रमुख घटनाएं। आइए देखते हैं 12 अक्टूबर को जन्म लेने वाले व्यक्तियों के नाम। 1008 में गो इकेजो जापान के सम्राट थे, इनका जन्म हुआ था। 1350 में दिमित्री डोस्कोई मास्को का ग्रैंड ड्यूक था। 1864 में कामनी राय ब्रिटिश भारत की पहली महिला स्नातक, बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी लेखिका थी। 1865 में आर्थर हार्डिन अंग्रेजी जैव रसायन शास्त्री और अकादमिक नोबेल पुरस्कार विजेता। 1934 में अल्बर्ट सिरियेव जो कि रूसी गणितज्ञ और अकादमिक थे, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। 1934 में आजू आटके जो तुर्की इंजीनियर और लेखक थे, उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। शिवराज पाटिल 1935 में भारतीय वकील और राजनीतिक थे, जो बाद में भारतीय रक्षा मंत्री भी बने, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। 1956 में लुज हाइजेन जो कि जर्मन साइकिल चालक थे, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। यह था आज के दिन जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों और जो है कुछ प्रमुख घटनाएँ। अगर आप इसके बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ पे पूरे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आज के दिन जन्म लेने वाले और आज के दिन होने वाले निधन, आज की घटनाएं तथा आज के दिन होने वाले उत्सव, तो आज सभी इन सभी घटनाओं को आप जो है वेबसाइट पर जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो आर्टिकल। जय हिंद।